तो आज है हमारे पास सोनालिका का टाइगर DI 65 और ये CRD इंजन के साथ है। आज इस वीडियो में सोनालिका DI का फुल रिव्यू इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को आप लाइक कर देना। बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट साइड से। फ्रंट साइड से बात करें तो ऐसा कुछ आपको यहां पर डिजाइन देखने को मिल जाता है इसे सोनालिका में, और सोनालिका आगे आपको क्रोम फिनिशिंग के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है, और आगे आपको सोनालिका का एक लोगो देखने को मिल जाता है, और ये इसके हेडलैम्प हो गए आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं। एंड कूलिंग के लिए आपको यहाँ पे आगे जाली देखने को मिल जाती है, जो आजू बाजू एंड आगे आपको देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर के अंदर, और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा क्रोम कंपनी दिया गया है, सो आप देख सकते हो। एंड आगे की एक्सल की बात करें तो ऐसा कुछ हैवी ड्यूटी आपको एक्सल देखने को मिल जाता है। एंड आपको इसका मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ इस ट्रैक्टर का मैकेनिज्म दिया गया है, और यहाँ पर मटका अडजस्ट करने के लिए आप देख सकते हो कितनी मोटी यहाँ पर ये चीज लगी है, और इसके ऊपर मटका एडजस्ट है। मटका की बात करें तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक के मटका देखने को मिल जाते हैं, एंड मटका की आर्म है ये देख सकते हो कितनी मोटी, यहाँ पे लोहे की आर्म दी गई है, जो आपको मटका है वो कहीं पे नहीं जाने वाला है, बहुत ही मजबूती के साथ ये आगे वाला मटका दिया गया है। आप देख सकते हो ये टायर के साथ यहाँ पे वर्क करेगा, और इस ट्रैक्टर को टो करने के लिए कंपनी ने आगे एक होल दिया गया है, कहीं भी आपका ट्रैक्टर मड वगैरह में फंस जाए या किसी ट्रैक्टर को आगे से ही खींचना हो पीछे रिवर्स करके इस ट्रैक्टर को, तो ये काम भी बड़ी आसानी से ये ट्रैक्टर कर सकता है, क्योंकि आगे आपको एक होल दिया गया है जिसमें आप कोई भी चीज लगाकर इसको टो कर सकते हो या और किसी मतलब व्हीकल को आप टो कर सकते हो। फ्रंट टायर साइज की बात करें तो आपको 11-2-24 का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है, एंड रियर टायर की बात करें तो आपको यहाँ पर 16-9-30 का रियर टायर MRF का देखने को मिल जाता है, और साइडों में आपको एक टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है मेटल का, और इसे आप लॉक भी कर सकते हो, एंड इस ट्रैक्टर में साइड से कुछ ऐसी लुक निकल के आती है। और फुट स्टेप की बात करें तो आपको 2 फुट स्टेप इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाते हैं, और इसकी आप हाइट चेक कर सकते हो, और ये ग्रैब हैंडल यानी ये पकड़ने के लिए दिया गया है, ऊपर से कुछ ऐसा लुक निकल गया था इस ट्रैक्टर का, देख सकते हो सीट पे बैठने के बाद कैसी फील आ रही है। और लाइटिंग के कंट्रोल की बात करें तो लाइटिंग के कंट्रोल आपको प्योर यहाँ पर गाड़ी वाले दिए गए हैं, सो देख सकते हो यहाँ पर आपको एक हॉर्न देखने को मिल जाता है, यानी हॉर्न का एक्सेस यहाँ पर है, और ये लाइटिंग के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड साइड में आपको हाथ वाली रेस देखने को मिल जाती है, देख सकते हो आप। और इस ट्रैक्टर गियर्स की बात करें तो आपको लो हाई मीडियम के साथ इस ट्रैक्टर में गियर देखने को मिल जाते हैं, 3 स्पीड आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, और यहां पर 4 गियर देखने को मिल जाते हैं। आप सोच रहे हो रिवर्स गियर यहां पर नहीं है, तो रिवर्स गियर आपको बता दूं आपको यहां पर एक स्टल शिफ्ट आपको गियर दिया गया है, जिससे आप हाथ से यहाँ पर रिवर्स गियर लगा सकते हो। आपका ट्रैक्टर कोई से भी गियर में चल रहा हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, आप उस स्पीड में बैक इस ट्रैक्टर को कर सकते हो, उस स्पीड को आप ऊपर करोगे तो ये आगे भागने लगेगा उस स्पीड के अंदर। एंड क्लस्टर की बात करें तो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का सिस्टम दिया गया है, डिजिटली आपको यहाँ पर टाइम एंड हावर शो होने वाले हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। एक बार इसको मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इस ट्रैक्टर में फंक्शन दिए गए हैं। फिर ऑन किया और एक बार आपको इसको ऑन रहने देना है, आपको घंटे शो होने वाले नीचे की तरफ, और ऊपर आपको टाइम आपको शो होने वाला है, यानी अब 2:21 हो चुके हैं। एंड आवर्स की बात करें तो ये 18 घंटे 30 मिनट ये ट्रैक्टर चल चुका है, और आपको स्टेयरिंग के नीचे 12 बोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर और नीचे आपको कील गाने के लिए सॉकेट दिया गया है, और आप इसमें की प्लेस कर सकते हो, देख सकते हो ये देखो। ट्रैक्टर आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, पावर, नॉर्मल एंड इको मोड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी फ्यूल की खपत है वो बहुत ही कम होने वाली है इन मोड़ों के थ्रू। और साइड में आपको SL का यहाँ पर एक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिससे आप LED अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। और साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, ये इसके लीवर दिए गए हैं ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन के अंदर। PTO की बात करें तो इंडिपेंडेंट आपको PTO मिल जाता है, एंड 540 चक्रों के साथ आपको RPTO भी देखने को मिल जाता है। दोनों तरफ आपको यहाँ पर सीट एंड गार्ड देखने को मिल जाते हैं, और कुशनिंग भी ठीक ठाक ही है मैं कहूंगा। एंड हैंड ब्रेक की बात करें तो आपको कारों वाला ही हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, इससे आप ऊपर के हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको देख सकते हो पूरा फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को आपको मिल जाता है। और 4x4 लीवर की बात करें तो आपको यहाँ पर 4x4 लीवर देखने को, साइड में आपको एक लीवर और दिया जाता है, जिससे कि आप अपने दोनों व्हीलों को पीछे वालों को आप लॉक कर सकते हो, यानी कि मड वगैरह फंस जाए तो हमारा एक टायर काम करने लगता है
तो ये दोनों टायरों को लॉक कर देगा, आप इसको दबा दोगे तो। पीछे साइड से बात करें तो आपको ऐसे कुछ टेल लैंप इस सेक्टर में देखने को मिल जाते हैं, एलईडी प्लस यहाँ पे बल्फ वाले टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं। और पीछे वाले छतरी की बात करें तो आपको कंपनी फिटेड पीछे वाली छतरी देखने को मिल जाती है, बहुत ही यहाँ पर मजबूती के साथ इस छतरी को कंपनी की तरफ से दिया गया है। और इसकी आर्म की बात करें तो बहुत ही मजबूत, आप बाहर लगवाने जाओगे थर्ड पार्टी से तो इतनी मजबूत आपको ये छतरी नहीं मिलने वाली है, कंपनी ही दे सकती है इतनी मजबूती के साथ। और इसमें सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। नीचे आप प्लेट की बात करें देख सकते हो, मड गार्ड के नीचे इतनी मोटी आपको प्लेट दी गई है और उसके ऊपर देख सकते हो दो प्लेट और लगा दी गई है और फिर उसके ऊपर छतरी इसको दी गई है। बहुत ही मजबूती के साथ ये छतरी दी गई है कंपनी की तरफ से, पूरी सेफ्टी के साथ आपको दी गई है। और टॉपलिंग में होल की बात करें तो आपको चार टॉपलिंग में होल देखने को मिल जाते हैं जिससे आप मिट्टी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। एंड ऑब्जरी वॉल की बात करें तो आपको दो ऑब्जरी बाल, एंड इसकी लीवर की बात करें तो आपको यहाँ पर ही इसका लीवर रिप्लेस किया हुआ मिल जाता है और यहाँ से ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड बात करें वाटर होल्डर की तो आपको सीट के पीछे आपको वाटर होल्डर एंड सीट के पीछे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। और साथ में आप पीछे कोई ट्रॉली वगैरह चलाना चाहते हो यानी उसमें टेल लैंप वगैरह जलानी है तो इसके लिए आपको एक सॉकेट दिया गया है जिससे आप टेल लैंप वगैरह जला सकते हो। पीछे वाली लाइट की बात करें तो ऐसी कुछ आपको पीछे वाली लाइट देखने को मिल जाती है जिसका कि यहाँ पर एक्सेस दिया गया है, यहाँ पे बटन दिया गया है, इससे आप ऑन या ऑफ इस लाइट को कर सकते हो। और ये नंबर प्लेट लगाने के लिए एक प्लेट दी गई है पीछे। और पीछे वाले एक्सल की बात करें तो एक्सल कुछ इस तरीके से आपको कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड ये इसका पीटीओ है और ये कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर हुक दिया गया है यानी कंपनी फिटेड आपको इस ट्रैक्टर में हुक देखने को मिल जाता है। और पीछे वाले टायर की बात करें इसमें आपको यहाँ पर वेट देखने को मिल जाते हैं, एक इसमें देखने को मिल जाता है और चलता हूं मैं, एक इसमें वेट देखने को मिल जाते हैं। आपको रियर वाले टायरों में दोनों तरफ आपको वेट देखने को इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। इजनरेटेड आरपीएम की बात करें तो इसमें 2000 इजनरेटेड आरपीएम देखने को मिल जाती है। एंड एचपी की बात करें तो आपको 65 एचपी का इंजन मिल जाता है 4712 सीसी का। एंड ये 2000 इजनरेटेड आरपीएम पर अपने 278 मीटर टॉर्क जनरेट करता है। क्लीनर की बात करें तो आपको ड्राई एयर क्लीनर इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है, कोई भी यहाँ पे ऑयल वगैरह का सिस्टम इस ट्रैक्टर में आपको नहीं देखने को मिलता। और ये इसका रेडिएटर दिया गया है देख सकते हो आप। और एग्जॉस्ट की बात करें तो आप देख सकते हो इसका कुछ इस तरीके से एग्जॉस्ट दिया गया है। एंड पंप की बात करें तो आपको टेंडम पंप देखने को मिल जाते हैं, एक तो आपका हाइड्रोलिक के लिए हो गया और एक आपका पावर स्टीयरिंग के लिए हो गया। और ऐसा कुछ भी इसका बैटरी बॉक्स दिया गया स्टाइलिश लुक के साथ, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब इस ट्रैक्टर में आपको सल्फ लगा के दिखा देता हूं मैं, साउंड एंड इसकी पावर स्टीयरिंग आपको चेक करके दिखाने वाला हूं कैसा क्या कुछ इसमें है, आपको लगा के दिखा देता हूं मैं। आप इसको रन करके दिखा देता हूँ एंड इसकी पावर स्टीयरिंग पहले आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ तो देख सकते हो मट गार्ड अपने टायरों के साथ यहाँ पर मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हो वो टायर इसके साथ यहाँ पर मूव कर रहा है, दोनों मट गार्ड टायरों के साथ यहाँ पर मूव कर रहे हैं। और इस ट्रैक्टर की वारंटी की बात करें तो आपको 5 एयर एंड 5000 घंटे की इस ट्रैक्टर में वारंटी मिल जाती है। और प्राइस की बात करें तो आपको 11,30,000 से लेकर ये 12,20,000 तक आपको ट्रैक्टर मिल सकता है, वो भी आपके स्टेट एंड जिले वाइज पर डिपेंड करता है। मैंने जहां पर ये वीडियो शूट की है वहां का प्राइस आपको जानना है तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहे होंगे, जाके इस ट्रैक्टर का आप डेमो एंड इसका पूरी जानकारी ले सकते हो उनसे। और मैंने उनकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो वहां पर जाके आप एक बार इस ट्रैक्टर का डेमो एंड उस एजेंसी को आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और किसी ट्रैक्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो उसकी मैं लेकर आ जाऊंगा।